हेलो गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ चिल आउट आइस लॉन्ज दुबई। आई एम रेडी नाउ, लेट्स गो। अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो आपको इक्विटी मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। आपको वहाँ पर से बस लेनी पड़ेगी जो कि होगी F26N12। अब आपको जो फर्स्ट स्टॉप आएगा अलकूज नमोडा कार्स 1, जो कि आपको 4 मिनट्स में पहुँचा देगी बस। वहाँ पर आपको उतरना है। बस स्टॉप पे उतरने के बाद आपको थोड़ा सा चलना है और आपको पहुंचना है टाइम्स स्क्वायर सेंटर मॉल में। मॉल में एंट्री करने के बाद आप ग्राउंड फ्लोर पे ही थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको दूर से ही चिल आउट आइस लॉन दिख जाएगा। अब यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी जो कि एडल्ट के लिए पड़ेगी 89 दिरहम और किड्स के लिए पड़ेगी 49 दिरहम की। एंट्री पास मिलने के बाद आप अंदर जाएंगे तो आपको ये जैकेट, कैप एंड ग्लव्स देंगे। अगर आपके पास शूज़ एंड सॉक्स नहीं है तो आपको ये भी प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ से आप अंदर चले जाइए आइस लॉन्च में और आपके एंट्री पास में वेलकम ड्रिंक एंड फूड इंक्लूडेड है, तो ये आपको ये सर्व करेंगे। उसके बाद आप इंजॉय कीजिए फॉर 1 आवर। आप जितना घूम सकते हैं, जितनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आइस लॉन्च का जो टेम्परेचर था वो -6 डिग्री था, तो इसकी वजह से बहुत ठंडा हो रहा था, तो जैकेट डालना ज़रूरी है। और थोड़ा देर में मेरी कैप भी निकल जाएगी, वो भी मैं डाल लूँगी क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा था। नीचे जो लगा है ये ग्लासेस वगैरह हैं, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा आइस है। ये -6 डिग्री टेम्परेचर होने की वजह से ये मेल्ट नहीं हो रहा है। जैसी इसकी शेप है ये वैसे ही है। ये अंदर से आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और जो ऊपर है यहाँ पे, ये आइस थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगी थी जब थोड़ा सा लोग आ गए थे, तो थोड़ा क्राउड बढ़ने की वजह से थोड़ा सा ये मेल्ट हो रहा था, लेकिन उतना नहीं हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है जहाँ पर आप बैठ के जो ये फूड सर्व करते हैं वो इंजॉय कर सकते हैं और फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। आफ्टर 30 मिनट्स बहुत ठंडा हो गया था, हाथ जम चुके थे, ऐसा लग रहा था हाथ है ही नहीं, तो बाहर आना पड़ा। उसके बाद इनको जैकेट वगैरह सब रिटर्न किया और आप देख सकते हैं मेरे गाल कितने लाल हो गए हैं। और बस यही था आइस लॉन्च दुबई। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और ये है हमारा मॉल टाइम्स स्क्वायर सेंटर, बाहर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिए। बाय।